एक चीज का हमेशा जीवन में ध्यान रखना, अगर आप मेहनत करते हो ना तो मेहनत का परिणाम भगवान आपको अवश्य देता है, चाहे कैसे भी। हाँ ये जरूर है, देर सवेर हो जाती है, देर सवेर हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, कई बार हम पॉइंटों से रह गए, पॉइंट 25 से रह गए, एक नंबर से रह गए, कई बार मेडिकल में रह गए। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लगातार हो, अगर आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो प्रकृति आपको आपकी मेहनत वापस लौटाएगी, वापस नहीं रखेगी अपने पास। आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको 100% मिलेगा, समझ रहे हो ना। और मेहनत इस हद तक होनी चाहिए, आदमी की कामयाबी जो होती है ना बेटा, कामयाबी वो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती इंसान को। मेहनत इस क्रम तक होनी चाहिए कि अंतिम चरण तक। अब आप कई बच्चे कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो ये किताब पढ़ ली, मैंने तो ये किताब पढ़ ली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे बेटा, कामयाबी अगर आपको प्राप्त करनी है तो चरम सीमा तक मेहनत करो, और जहां आपकी चरम सीमा पहुंच जाएगी ना, उस दिन आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद सक्सेस आदमी की गिनती में आ जाओगे और सक्सेस की तरह आप भी बोलने लग जाओगे। मैंने आपको एक पहले बताया था, एक कहानी बताई थी एक सियार और एक खरगोश की। एक सियार एक जंगल में, एक सियार और एक खरगोश थे, ध्यान से समझ रहा आपको, चरम सीमा बता रहा हूं मेहनत की। मैं एक सियार और एक खरगोश थे, खरगोश अपना घास चर रहा था, आराम से विचरण कर रहा था। सियार वहां जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर उस पर पड़ी, खरगोश पर। वो उसका शिकार, उसका भोजन था, सियार का भोजन था। सियार फिजिकल में उससे देखा जाए तो उससे दुगुना है साइज में, दुगुना तीन गुना चार गुना होगा उसका, तो कुत्ते की साइज का होता है सियार, कुत्ते की दूसरी कुत्ते की प्रजाति है ये। तो सियार ने उसको देखा, वो खरगोश को भी आभास हो जाता है, जैसे अपने पीछे कोई है ना तो अपने को आभास हो जाता है ऑटोमेटिक। आप देख रहे हैं कभी प्रयास, कभी भी कोई काम करते हो तो पीछे से अगर कोई आदमी चुपके से आता है तो आपको आभास हो जाता है कि हमारे पीछे कोई है। ऐसे खरगोश को आभास हुआ, आभास हुआ तो उसने देखा कि सियार पास में ही है। खरगोश ने बिना कुछ सोचे दौड़ लगाई सियार उसके पीछे, फिर पीछे पड़ना ही था सियार को। पूरे जंगल को छान मारा, खरगोश आगे और सियार पीछे। अब हम जानते हैं कि सियार की स्पीड खरगोश से ज्यादा है, हालांकि खरगोश की स्पीड अच्छी बताते हैं, लेकिन उसके एवरेज के हिसाब से अच्छी बताते हैं उन जानवरों में, जो उनके लेवल के जानवर है उनमें उसकी अच्छी स्पीड है खरगोश की। लेकिन सियार तो बड़ा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। वैसे देखा जाए चीते की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना, वैसे आकार के हिसाब से सियार की स्पीड खरगोश से ज्यादा थी। पूरा जंगल छान मारा, फिर बाद में लास्ट में जाकर खरगोश जब थक गया तो उसको एक छोटी सी गुफा दी गई, बिल्लुमा, बिल्लुमा छोटी सी गुफा दी गई, खरगोश उसमें चला गया। अब सियार का उसमें जाना नहीं हुआ, छोटी रह गई गुफा, बाहर बैठ गया। बाहर बैठने के बाद में थोड़ी देर बैठा रहा, और थोड़ी देर बाद में सियार ने खरगोश से यह कहा कि यार एक चीज बता तू मेरे को, मैं साइज में तेरे से बड़ा हूं, दौड़ने में तेरे से तेज दौड़ता हूं, दौड़ने में तेरे से तेज दौड़ता हूं, तो ये बता तू मेरे हाथ क्यों नहीं लगा, ये क्या कारण है ऐसा। सियार का जो जवाब, उसका खरगोश का जो जवाब है बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब उसने दिया, इंपॉर्टेंट, सोचने की बात था। खरगोश ने यह कहा कि भैया तेरे तो एक टाइम का खाने का सवाल था, तेरे तो एक टाइम का खाने का सवाल था, और यहां जिंदगी दांव पर लगी थी। मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा डेडिकेट कौन था उनमें, ज्यादा समर्पित कौन था दौड़ के प्रति, खरगोश, खरगोश था। क्यों था? क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और सियार के मन में कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ा बहुत ये नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा, मन में अगर थोड़ा बहुत भी अपने पास थोड़ा सा भी सुराग रहता है ना कि ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, तो फिर कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली, फिर कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली। दिमाग में, दिल में, मन में एक ही चीज रखो, दिल और दिमाग में एक ही चीज रखो कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुकरात था, सुकरात का नाम सुना है? सुकरात महान दार्शनिक है या वो ज्ञानी आदमी था बहुत ही। उसके लिए कहा उसने, एक आदमी ने उसके वो मतलब उसके पास आकर उसको ये कहा कि आप इतने मतलब लोग आपको इतना मतलब मानते हैं, इतना आपको मतलब इज्जत देते हैं, मैं भी आपके जैसे इज्जत पाना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूं, एक कामयाब इंसान होना चाहता हूं, तो उसने बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं सुबह विचरण करूंगा नदी के किनारे, उस समय मेरे पास आना नदी के किनारे। दूसरे दिन नदी के किनारे पहुंचा वो व्यक्ति जो सुकरात से मतलब उससे कह रहा था कि मैं आपकी मतलब कामयाब, आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूँ, कामयाब इंसान। तो सुकरात ने उसको क्या किया, उसका गर्दन पकड़ के नदी में दबा दिया। अब वो एक तबका रह गया एक सेकंड के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, और दबा के रखा। अब उसका जीव उठने लगा, थोड़ा थोड़ा जीव उठने लगा, उसने जोड़ लगाया, फिर थोड़ा जोर से उसको पकड़ के रखा, फिर उसने जोड़ लगाया, फिर जोर से रखा, जोर लगा के रखा। जब उसका दम काफी घुटने लगा कि अब तो मृत्यु निश्चित है, उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगा के उसको फेंक दिया सुकरात को। सुकरात है और कोई दार्शनिक था, उसको फेंक दिया, दूर फेंक दिया, दूर फेंका। तो उसने कहा अब पता लगा कामयाबी, अब पता लगा कामयाबी, कामयाब कैसे होते इंसान। आपने शुरू में मेहनत की छोड़ देंगे, दूसरी बार की छोड़ देंगे, तीसरी बार ताकत लगाई
चौथी बार आपने ऐसी ताकत लगाई कि मेरे को दूर रखना पड़ा। तो ऐसी चरम सीमा तक मेहनत करो आप, ऐसी चरम सीमा तक आदमी को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन न बचे। तो कामयाबी हर इंसान को मिली है और मिलेगी बेटा, अगर आपने बीच में कदम छोड़ दिए कि नहीं साहब अब मैं गुरु जी राय भी पढ़ ली, मैं लक्ष्य पढ़ ली, मैं फलाड़ी पढ़ ली, मैं डिग्री पढ़ ली, ये अगर पढ़ ली, फटने से कुछ नहीं होगा। ये अगर आपने पढ़ ली, इनको एक ही किताब, दस किताबों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक किताब को दस बार पढ़ लो, एक किताब को दस बार पढ़ लो, कोई ऑप्शन मत रखो कि सर मेरे इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी कामयाबी निश्चित रूप से होगी। बहुत सिलेक्शन दिया है, बहुत सिलेक्शन आगे भी होंगे, बस शर्त यह है कि कामयाब पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोचिंग है, इंस्टीट्यूट जो भी है आपके पास, वीडियो जो बनाते हैं सब में टीचर पढ़ाते हैं, आपका काम पढ़ने का है, लेकिन आप जब तक खुद डेडिकेट पूरा समर्पित होकर नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बात यही है।